पाटिल साहब, अगड़ों का वोट नहीं चाहिए क्या इंडिया गठबंधन को? अगर आप पीडीए पे ही बात करते हैं तो क्या ये अगड़ों को चुभेगी नहीं, बुरी नहीं लगेगी? उनसे दूरी बना के रखना चाहते हैं क्या? कैसे समझाएंगे कि क्यों हम पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? आशा जी, एक बात आप समझ लीजिए कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करना, इसका मतलब सवर्णों को पूरी तरह से विकास की प्रक्रिया से बाहर कर देना, ऐसा नहीं है। एक समग्र समानता में कांग्रेस विश्वास रखती है। आप संविधान की प्रस्तावना को देख लीजिए, तो अगर बराबरी हक देने की बात करें तो ये बात फिर 2014 के बाद क्यों? ये मनुवादी सोच जो है, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी आर्थिक सत्ता और पूरी राजनीतिक और सामाजिक सत्ता फिर से वापस लाने की जो कोशिश हो रही है, इसलिए फिर जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसके आवंटन की बात खड़ी हो गई है। मुझे बताइए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है यूपी में, वहां पर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को कोई जगह नहीं है? उन्होंने जेएमएफसी जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय संस्था है, वहां पर क्वालिफाइंग बार लगा के लोगों को बाहर कर दिया। आज ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए यूपीएससी पास होने के बाद 16 साल लगते हैं आशा जी, लेकिन यहां पर डायरेक्ट एंट्री हो रही है, 80 लोगों को आज भरा गया है। तो जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 70 साल से, लोगों को मौका मिल रहा था, निर्णय प्रक्रिया में मौका मिल रहा था, उसे मरहूम, उसे वंचित करने के लिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को फिर से हाशिए पे ढकालने की कोशिश जो है वो हो रही। मैं तो नागपुर से हूँ आशा जी, इस बात को बहुत अच्छे से समझता भी और देखता भी हूँ, और उनकी वंच ऑफ थॉट और वी एन अवर नेशन डिफाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी रास्ते पर ये चल पड़े हैं। तो लोगों को अगर रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कोई पक्ष करता है, इसका मतलब सवर्णों को हाशिए पर रखने की बात है क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जो मौका मिला इस देश का संविधान लिखने का, तो उन्होंने समानता पे संविधान लिखा, उन्होंने सवर्णों को हाशिए पर ढकेलने का काम नहीं किया। बराबरी में लाना यानी सवर्णों को हाशिए पर ढकेलना, ऐसा नहीं। सारी जनता हमारी, हम सौ फीसदी की बात करते हैं, हम कांग्रेस है, लेकिन बराबरी में लाना तो किसी और को हाशिए पर ढकेलने की बात नहीं है, सबको बराबरी लाना। पाटिल साहब, ये जितना ये जो अगड़ा पिछड़ा, ये जितना या पीछे चले गए, जितने भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पिछले 10 सालों में ही हुआ है क्या? उसके पहले कौन था? ये जो हालात तो बने हैं, ये पिछले 10 सालों में ही बने हैं। बराबर है आशा जी, 5,000 साल से जिस वर्ग को इतना पीछे ढकेल के रखा है, जिन्हें शिक्षा और सामाजिक न्याय दोनों नहीं मिला, उन्हें आप 70 साल में, आपको अपेक्षा है कि 70 साल में वो बराबरी में आ जाए? 70 साल में नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल में हो सकता है, आप ये अपेक्षा करते हैं? ये भी आप अपनी बात ही, पांच सेकंड गलत हो जाएगा, गलत चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो 5,000 साल से अन्याय अत्याचार की बात हो रही थी, उसी को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, और उसके खिलाफ ये जंग है, समानता की जंग है, ये सवर्णों के खिलाफ की जंग नहीं है। ठीक है, दलित अगड़ा, मतलब ये खाई इतनी गहरी कर दी गई है सिद्धार्थ जी, आप लोगों ने खाई इतनी गहरी कर दी कि न चाहते हुए भी विपक्ष को ये जात पात लाना पड़ रहा है, मुद्दा बनाना पड़ रहा है, और ये सब आप लोगों की देन है। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जात पात पे चला जाता है सब कुछ आखिरकार।